मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। विलियम बेंटिंक 1829 में आया इस देश में, और उसके लगभग चार साल में ये आया, 1833-34 में मैकॉले आया। मैकॉले को विलियम बेंटिंक की कैबिनेट मिनिस्ट्री का सलाहकार बनाया गया था। उस जमाने का जो मंत्रिमंडल होता था वो अंग्रेज तय करते थे और सारे अंग्रेजी होते थे उसमें, तो विलियम बेंटिंक था प्राइम मिनिस्टर, ऐसे समझ लें, बाकी सब थे उसके कैबिनेट मिनिस्टर, और ये जो था मैकॉले उसका था सलाहकार, एडवाइजर। तो जब ये आया मैकॉले, तो विलियम बेंटिंक ने इसको आते ही ये कहा कि तुम भारत को पहले देखो, घूम लो, देख लो, समझ लो, तभी तुम मुझे कोई सलाह दे पाओगे भारत के बारे में। और मैकॉले के भी मन में था कि मुझे भारत देखना है, क्योंकि उसके पहले उसने भारत कभी देखा नहीं था, सुना था भारत के बारे में। तो वो घूमने को निकल गया भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूमा, एक सवा साल उसने देखा इस देश को, फिर वापस आया। तो कलकत्ता में एक मीटिंग हुई, काउंसिल की मीटिंग, काउंसिल माने मिनिस्ट्री, गवर्नर जनरल हेड कर था, वो प्रिसाइड कर रहा था, उसके मंत्रिपरिषद के लोग बैठे थे। कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी था, ये जो दिल्ली राजधानी बनी ये तो 1911 के बाद बनी। तो मैकॉले ने जो कहा वो मैं सुनाता हूं। उसने कहा, आई हैव ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। वो विलियम बेंटिंक को कह रहा है मीटिंग में कि मैंने भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देख लिया, लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देख लिया, लेकिन एक भी भारतवासी को मैंने भिखारी नहीं देखा, और एक भी भारतवासी को मैंने चोर नहीं देखा, ना चोर है ना भिखारी है। अब ये बात कह रहा है वो 1835, 2 फरवरी 1835 को ये मीटिंग हुई थी कलकत्ता में। 1835 का माने आज से 175 साल पहले। अब आज से 175 साल पहले एक अंग्रेज आता है और वो देखता है भारत को और कहता है कि यहाँ कोई भिखारी नहीं है, कोई चोर नहीं। तो उसको कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पूछा क्यों नहीं है, तो कहता भारत में किसी को भिखारी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के घर में धन और संपत्ति इतनी है कि कोई भिखारी होने के लिए जरूरत ही। फिर वो कहता चोर कोई इसलिए नहीं है, किसी के पास चोरी करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि सबके पास पैसा है, संपत्ति है, तो चोरी कोई क्यों करे। तो उसको पूछा गया कि तुम भारत के सामान्य व्यक्ति के घर की संपत्ति के बारे में कुछ अंदाजा बताओ। तो मैकॉले कहता है कि मैं जब किसी साधारण भारतवासी के घर में गया तो मैंने देखा कि उसके घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है, सामान्य व्यक्ति के घर। राजाओं की बात नहीं कर रहा है, वो कहता राजाओं का तो कह ही नहीं सकता कितना धन है, लेकिन एक साधारण आदमी के घर में मैं घुसा तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर घर में ऐसे है जैसे गेहूं और चने का ढेर। फिर वो कहता है मैंने जब भी किसी भारतवासी को ये पूछा कि आपके घर में कितने सोने के सिक्के हैं, तो किसी भी भारतवासी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया। हर भारतवासी ने मुझे ये कहा कि हम सोने के सिक्कों को गिनते नहीं हैं। क्यों? तो कहता है जो चीजें भारत में ज्यादा होती हैं वो गिनी नहीं जाती, वो तौल के रखी जाती। अब इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें, मैं आपके घर में आऊं और ये पूछूं गेहूं के कितने दाने आपके पास है, तो आप कहेंगे क्या मूर्ख आदमी है गेहूं के दाने पूछ रहा, ये पूछ भैया कितना गेहूं है, 10 क्विंटल 20 क्विंटल 50 क्विंटल, क्योंकि गेहूं मात्रा में जब ज्यादा होता है तो तौल के रखा जाता है, जब मात्रा में कम होगा तो गिना। तो मैकॉले कहता है कि सबके घर में सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में है कि कोई गिनता ही नहीं है, सब तौल के रखते। और फिर वो अपनी आगे बात कहता है, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मेस्मराइज्ड, वो कहता मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई है
भारत के धन और संपत्ति को देखने के बाद। फिर विलियम बेंटिंक कहता है कि अपने देश की भारत से अगर तुलना करें तो, अपने देश माने इंग्लैंड की, तो कहता है कि इंग्लैंड की भारत से अगर तुलना करें तो इंग्लैंड तो कहीं भी नहीं है भारत के मुकाबले। हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इतनी बेरोजगारी है। फिर वो याद दिलाता है विलियम बेंटिंक को, क्या तुमने इंग्लैंड का इतिहास नहीं पढ़ा? 15वीं शताब्दी में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। ये वो खुद कह रहा, और मैंने इसको वेरीफाई किया, इस स्टेटमेंट को, कि 15वीं शताब्दी में सच में इंग्लैंड का क्या हाल था। तो 15वीं शताब्दी के इंग्लैंड में सच में भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। ये इंग्लैंड की कुल आबादी का 50% भूख से मर गए थे, इतनी गरीबी। तो विलियम बेंटिंक कहता है कि इंग्लैंड तो इतना गरीब है भारत की तुलना में, हम तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। फिर वो लंदन की बात कर रहा है, और लंदन का कंपैरिजन कलकत्ता से कर रहा है। वो कहता है लंदन की सड़कों पे जाएं तो 3-3 फीट के खड्डे हैं, और खड्डों में खड्डे हैं, और खड्डों में से सड़क है, और इस कलकत्ते में देखो कितनी सुंदर सड़कें हैं, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, कितनी अच्छी सड़कें। फिर एक मजाक में वो कहता है, बहुत खराब बात कह रहा है, लेकिन वो मजाक में कह रहा है विलियम बेंटिंक को, क्या तुम्हें वो दृश्य याद नहीं है कि इंग्लैंड की सड़कों पर किनारे किनारे लोग सवेरे सवेरे बैठ जाते टॉयलेट के लिए, क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में टॉयलेट नहीं होते थे, संडास घर नहीं होते थे। तो कहता सड़क के किनारे नहीं बैठ जाते इंग्लैंड लंदन में, और फिर उस पर बर्फ गिर जाती है, और वो जो मल है वो बर्फ के नीचे दब जाता है, फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है कब बर्फ पिघलेगी, कब हम उसकी सफाई करेंगे। ये वो खुद कहानी कह रहा है, किससे? विलियम बेंटिंक से। तो अंदाजा लग रहा है कि लंदन कितना रद्दी शहर था 1835 तक, सड़कों में खड्डे। और वो कहता है कि लंदन की सड़कों पे जाओ तो भिखारियों की लाइन दिखाई देती है, और यहां कलकत्ते में एक भिखारी नहीं देखा इतने दिन से मैं रह रहा हूं। लंबा वार्तालाप है उसका ये मैकॉले का विलियम बेंटिंक के साथ, और इस वार्तालाप के कागज और मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आर्काइव्स में है, कुछ लंदन की लाइब्रेरी में पड़े हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में काफी कुछ दस्तावेज है। ये एक कहानी है भारत की 1835 के आसपास की, कि भारत समृद्धशाली देश है, यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट पे रुक जाना ही काफी नहीं है। मेरे गुरु थे जिनका नाम था परम सम्माननीय श्री धर्मपाल जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा खोज किया भारत के बारे में, अंग्रेजों के समय का भारत। उनके साथ मैंने मेरी जिंदगी का करीब 12-13 साल का समय बिताया। धर्मपाल जी के साथ मिलकर ये दस्तावेज ढूंढता रहा, देखता रहा, समझता रहा। तो मैंने एक बार उनसे सवाल किया कि धर्मपाल जी, अगर ये भारत ऐसा है, मैकॉले जैसा कह रहा, तो इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए कि ये सोना घर घर में कहां से आया। मैकॉले कह रहा है कि हर घर में वो गया, जहां जहां गया तो उसने सोने के सिक्कों का ढेर देखा, गेहूं और चने के जैसा ढेर देखा। तो भारत में इतने सोने के सिक्के कहां से आ गए, क्योंकि भारत में सोना तो इतना पैदा होता नहीं है। भारत में 90 तरह के खनिज पदार्थ हैं, लेकिन सोना नहीं है, सोने का उत्पादन बहुत कम है। कर्नाटक में एक छोटा सा जिला है कोलार, वहां पे थोड़ा सोना होता है, लेकिन वो भी पिछले 25-30 साल में ही आया निकल के, उसके पहले तो पता नहीं था कोलार का भी। तो ये आया कहां से सोना? तो धर्मपाल जी ने कहा कि पक्का है लूटा तो है नहीं हमने किसी से, क्योंकि भारत में लूटने की परंपरा नहीं है, तो कहीं और से आया होगा, तो ढूंढो उसको। तो ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा सोना आया एक्सपोर्ट करने से, निर्यात करने से।